नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इट्स ऑल फॉर सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे इंजीनियरिंग इन 3 मिनट्स में कि हम सीमेंट को बनाते वक्त उसमें जिप्सम क्यों ऐड करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, क्या होता है ना कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है सीमेंट का, उसमें हम ऐड करते हैं हमारे पास कैल्शियम, सिलिका, एलुमिना, लाइम, चॉक, आयरन, ठीक है, और क्ले। इन सबको हम मिक्स करके एक रोटरी किलर में डालते हैं एंड उसके बाद हमारे पास फॉर्मेशन होती है क्लिंकर की। तो बेसिकली हमारा जो 90% काम है वो यहाँ तक हो जाता है सीमेंट को प्रिपेयर करने का। और क्लिंकर को अगर आप पानी में ऐड करोगे तो आपका सीमेंट बन जाएगा, पर उसमें जिप्सम ऐड करने की क्या ज़रूरत हमें पड़ी, तो आज यही हम समझेंगे। तो जो हम जिप्सम डालते हैं क्लिंकर के साथ, हम मिक्स करते हैं जिप्सम को, वो उसकी परसेंटेज रहती है हमारे पास 3 to 5%। उसका केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। और ये बेसिकली जो जिप्सम का काम होता है वो फ्लैश सेटिंग टाइम को रोकने का काम होता है। जो हमारे पास, जैसे कि आपका, आपने कंक्रीट बनाया, उसमें सीमेंट में पानी ऐड किया, वो कंक्रीट जो है वो फ्लैश सेटिंग एकदम से सेट ना हो जाए वहीं पे बनाते बनाते, उसको जो काम, उसको रिड्यूस करने का काम है वो जिप्सम करता है। मान लीजिए आपने ब्रिक मशीनरी करनी है, तो जब आप उसको बना रहे हैं वो तभी अगर सूख गए तो आपको उसको ब्रिक तक तो पहुंचा ही नहीं पाओगे। तभी इसको जो रोकने के लिए हम डालते हैं जिप्सम, जो कि हमारा जो सेटिंग टाइम है, फ्लैश सेटिंग टाइम है, उसको रिड्यूस कर देता है। तो बेसिकली हमारे फ्लैश सेटिंग होती किसकी वजह से है वो ज़रा थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हमारे पास सीमेंट में एक केमिकल कंपाउंड बनता है जिसका नाम है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, और इसको हम C3Ap बोलते हैं। इसकी परसेंटेज हमारे पास रहती है सीमेंट में 8 to 12%। तो बेसिकली यही रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे ही सीमेंट में वाटर ऐड होता है तो ये एकदम से कंक्रीट, जो सीमेंट कंक्रीट बनता है हमारा, उसको फ्लैश सेट कर देता है। फ्लैश सेटिंग टाइम इसका बढ़ा देता है और एकदम से जो कंक्रीट है वो सेट हो जाती है। तो ये उसको रिड्यूस करने का काम करता है। तो इस फ्लैश सेटिंग को रोकने के लिए हम लोग इसमें डालते हैं जिप्सम, जिस सीमेंट की कंस्ट्रक्शन के टाइम ही अपने सीमेंट में ऐड कर देते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि क्लिंकर के साथ साथ ही इसको ऐड कर देते हैं। इसका बस यही एक काम होता है कि ये फ्लैश सेटिंग टाइम को कम कर देता है कंक्रीट के अंदर। सो यही थी आज की हमारी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़।